इवनिंग शो था और उसमें नॉमिनेशन में चार नाम आए, वो भोजपुरी लोगों के थे, और पांचवा नाम था हैरी फर्नांडिस फॉर भोजपुरी फिल्म, और सब चुप हो गए। सुरेंद्र पाल एक्टर जो थे उन्होंने अनाउंस किया, एंड अवार्ड गोज टू हैरी फर्नांडिस फॉर भूमिपुत्र। सर एक आदमी ने ताली नहीं बजाई, तो अभी बजाते हम बजाएंगे। सबने ये सोचा ये हैरी फर्नांडिस ये कर्नाटक से, मुंबई में मराठी स्कूल में पढ़ा है, इसको कहाँ से अवार्ड मिल गया डायलॉग राइटिंग का, किसी ने नहीं बनाई। मैं अवार्ड गया स्टेज पे, दोनों तरफ से कैमरा स्क्रीन पे दिख रहा हूँ और कोई ताली नहीं बजा रहे, मैं जा रहा हूँ स्क्रीन पे सेट पे, अवार्ड लिया और सुरेंद्र पाल जी बोले हरी दो डायलॉग। आज तक पंजाबी इंडस्ट्री में ये हुआ नहीं है कि कोई पंजाबी फिल्म बॉम्बे में आके शूट हुई है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई पंजाबी पिक्चर बॉम्बे में शूट हुई है। तो ये अपने आप में बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं और मेरे चाचा जी जो हमें दिखाया गया है लड़की वाले जो हैं वो बॉम्बे की फैमिली है पंजाबी, लेकिन बॉम्बे में रहते हैं। तो आपको ये फ्लेवर मिलेगा इस पिक्चर में देखने के लिए, तो मैं ऑडियंस से बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब ज़रूर देखिए, कुछ डिफरेंट मिलेगा और आपको बहुत सारा इंटरटेनमेंट मिलेगा, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। 29 नवंबर 2024। अच्छा लगा मेरे डायरेक्टर हैरी फर्नांडिस के साथ काम करके, और मेरे प्रोड्यूसर डॉक्टर अनिल के मेहता जी जिन्होंने मेरे चाचा जी का रोल भी किया है इस फिल्म में। क्या काम किया है इनका, मैं क्या तारीफ़ करूं इनकी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी पंजाबी इंडस्ट्री को एक और बहुत ही बढ़िया कलाकार मिलने जा रहा है, और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि हमारे चाचा जी हिट हैं। जी, और डायरेक्टर साहब, मैं उनकी ये पहली पंजाबी फिल्म थी, हमें लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं हैरी सर को कोई प्रॉब्लम आएगी भाषा की वजह से या किसी होता है ऐसा फील होता है, हमें लग रहा था। लेकिन जैसे ही हमने फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की, पहले दिन हम सेट पर गए तो हमें ऐसा लग रहा था हम किसी पंजाबी फिल्म के डायरेक्टर के साथ ही काम कर रहे हैं। तो इतना अच्छा मेरा हैरी सर के साथ एक्सपीरियंस रहा। युवराज जी के साथ हम लोग ऐसे थे, हम लोग फ्रेंडली बहुत थे सेट पर, और कोई भी सीन या हमें कोई भी ऐसा सीन दिया जाता था जो हमें समझ में नहीं आता था, हम लोग ऐसा सोचते थे, ऐसा डिस्कशन करते थे कि उस सीन को कितना बेहतरीन बना सकते हैं। तो हम दोनों की जो केमिस्ट्री थी बहुत अच्छी थी सेट पर भी, और पिक्चर में तो आप सबने देख ही लिया। तो मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा युवराज के साथ। चाचा जी शादी करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, ये इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। यही तो हमारी फिल्म का सस्पेंस है। आपसे भी जानना चाहेंगे जो एक्टर हैं उनके बारे में भी अगर बात करें। देखिए एक्टर तो युवराज सिंह द बेस्ट, इतनी अच्छी कॉमेडी एक्टिंग की उन्होंने, और कोई भी सेट पे कभी तकलीफ नहीं, सुबह टाइम पे सेट पे आना, लेट तक करना, कोई उनकी तरफ से एक पैसे की तरफ के तकलीफ नहीं हुई। उसके बाद डॉक्टर अनिल के मेहता, इन्होंने रोल किया, ऐसा रोल किया सेट के ऊपर कि सबकी एनर्जी बढ़ गई, सबने उनकी बहुत तारीफ की। उसके बाद शहना जी, उनके साथ तो मैंने पहली बार फिल्म की, जब उन्होंने सब्जेक्ट सुना तो सब्जेक्ट सुनते बोले कि हरी जी मुझे ये पिक्चर करनी है, मैं आपको पिक्चर नहीं छोड़ूंगी, ये करूँगी, और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। और मुझे अच्छा लगा कि कभी भी स्क्रिप्ट के ऊपर से सब ये होता है। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर राजन बत्रा जी, हम लोग कहीं बैठे थे, मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया, जब भी शूटिंग बीटिंग जस्ट हो चुकी थी, एडिटिंग हो गया था, तो उन्होंने सब्जेक्ट सुन के बोला कि अरे ये फिल्म हिट है, कोई नहीं, पंजाबी में ये सब चीज़ें बहुत ये होती है। फिर उसके बाद दिनेश कुमार जी हमारे, ये हमारे अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने इसमें एक बहुत बढ़िया रोल किया हुआ, एक बड़ा रोल है उनका, बहुत बढ़िया रोल किया इन्होंने, और डॉक्टर मोबाइल सिंह नाम से वो रोल है, तो वो तो मैं चाहूँगा फिल्म में देखो और हंसो, ये सब काम करते हैं। फिर दीपक राजा ये भी स्टैंड अप कॉमेडियन थे, और बहुत सारे उन्होंने जसपाल भट्टी से लेके बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने काम किया है, अभी वो लोग पंजाब में हैं। तो उसके बाद परमवीर जो विलन का रोल करते थे पंजाब में, ज़्यादातर जो है विलन का रोल उन्होंने किया है पंजाब में, इस फिल्म में उनका विलन थे लेकिन कॉमेडी रोल ज़्यादा था। तो जब लास्ट दिन शूटिंग ख़त्म हुई तो बोले हैरी जी आपने मुझे पंजाब में कॉमेडियन भी बना दिया, आज तक विलन का रोल के लिए मुझे लोग कास्ट करते थे, अब कॉमेडियन के रोल के लिए भी कास्ट करेंगे। और उसके बाद डॉक्टर मेहता जी ने एक लेडी को इंट्रोड्यूस किया, बोले हैरी जी ये विलन की वाइफ का रोल इसको देते, उसका फिल्म में स्क्रिप्ट में नाम था गुगली, उसका नाम था हरप्रीत कौर शासन करके, और हमने शूटिंग की। उसके बाद जब पता चला
कि वो कपिल शर्मा जी की बीबी की बहन है, वो साली है कपिल शर्मा की, तो हमें ये पता नहीं था, ये बाद में पता चला। और उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, जो आपने एक डायलॉग देखा होगा, वो बोलती कि मैं भी तुम्हारा नींबू देख के तुम्हारे प्यार में पड़ी थी करके, तो वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो ये सारे एक्टर्स जो हैं ये करेंगे। एक सनी करके एक लड़का है चेतन राय, जो विलन का और गुगली का बेटा है, तो आज वो आने वाले थे यहाँ पे, लेकिन उनके दादाजी की सुबह डेथ हो गई तो वो बनारस चले गए, वो आ नहीं पाए। उसकी भी पहली पंजाबी फिल्म है, लेकिन ये सारे मेरी फिल्म के जो एक्टर है, मुझे लगता है कि पंजाबी में इनको बहुत अच्छा काम मिलेगा, बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि इस फिल्म में उनका शोरिल समझ लीजिए, शोरिल समझ लीजिए। और डॉक्टर मेहता, इनको भी बहुत लोग एक्टिंग का काम देंगे, बस ये स्टार बनेंगे पंजाबी में तो मैं डायरेक्शन छोड़ के ना इनका सेक्रेटरी बन रहा हूँ। एक और आर्टिस्ट है, इसके बाद जिसका आपने पहला वीडियो देखा, स्नेहलता मेहता, अभी वो हॉलैंड में, वो अनुपम खेर के इंस्टीट्यूट में उन्होंने 2 साल तक एक्टिंग का कोर्स किया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि प्रोड्यूसर की वाइफ है, इसके लिए रोल किया है, तगड़ा रोल किया है उन्होंने। जेसी बुआ जो इसका अपना युवराज की बुआ है, और वो रोल उन्होंने किया हुआ है, गांव में भी है फिर शहर में भी है, ऐसा उन लोगों का एक अच्छा ये हुआ है, काम हुआ है। अंसर फिल्म कब रिलीज होने वाली है, दर्शकों को क्या मैसेज जाएगा, और पंजाबी जो ऑडियंस और मुंबई की जो ऑडियंस है क्या कहना चाहेंगे उनसे? 29 नवंबर 2024 को ये फिल्म रिलीज हो रही है, पंजाब और दिल्ली से शुरू कर रहे हैं, हरियाणा भी है कुछ थिएटर्स, और फिल्म फुल लेंथ कॉमेडी है और पूरी फैमिली इकट्ठी देख सकती है, और जॉनर कॉमेडी है, जैसे आजकल कॉमेडी फिल्में बहुत चल रही हैं, और हमारा पंजाब में तो है ही, पर दिल्ली, बॉम्बे, बाहर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अपना कनाडा, इंग्लैंड, यहाँ पे पंजाबी फिल्में बहुत चलती हैं, तो हमारी ऑडियंस बहुत है, सभी वेट कर रहे हैं मियाँ बीबी राजी की करण के पास। वैसे मैं इनको हैरी सिंह बोलता हूँ, क्योंकि पंजाबी पिक्चर बनाई है, लगता ही नहीं है किसी आउट ऑफ स्टेट वाले बंदे ने पंजाबी पिक्चर पर डायरेक्ट की है। तो सबसे पहले तो मैं सबका थैंक्स करूँगा, क्योंकि इन्होंने फेथ किया मुझे अपनी पिक्चर दी रिलीज़ करने के लिए, तो मैं इसको 100+ स्क्रीन्स ऑल इंडिया और ओवरसीज मिला के टोटल 200+ स्क्रीन्स के हम टारगेट कर रहे हैं, और यही अपील करूँगा कि 29 तारीख को सब आएँ, पिक्चर देखें, और बॉम्बे के भी कुछ सेंटर्स हम मतलब कि शोज लेंगे कहीं, जो जब पंजाबी बेल्ट है तो वहाँ पर भी हम करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस फिल्म में ये मेरे चाचा जी हैं, और हमारे हीरो की जो बुआ है, तो आप देखिए कि वो जो ट्रायंगल बन रहा है, किस तरह से इन दोनों का जो लव एंगल था और किस तरह से ये दोनों दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो बेसिकली जो थीम है हमारी, तो आपको वो सेकंड पार्ट में भी नजर आएगी। बिल्कुल।